बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये चैनल रिएक्शन का नहीं है, वीज़ा इन्फॉर्मेशन का ही है। मैं एक वीडियो पर रिएक्शन करने वाला हूँ। वो वीडियो क्या है, वो वीडियो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तुर्की से यूनान की डंकी लगी है, मतलब पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की, और तुर्की से यूनान की डंकी लगाई है दो लोगों ने, और उन्हें यूनान की पुलिस ने पकड़ लिया। अब उनके साथ किया क्या है, वो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इन्हें इंशाल्लाह आप ये वीडियो देख के तहैया कर लेंगे कि आपने डंकी नहीं लगानी। जो जुल्म हुआ उन लोगों पे वो भी बताऊंगा, और वो लोग पाकिस्तान मुसलमानों के बारे में, बल्कि यूनान वाले जो यूनान की पुलिस है मुसलमानों के बारे में क्या सोचती है, वो आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, और वो बंदों की लाइव वीडियो भी दिखाऊंगा। अब हो सकता है मुझे इस वीडियो पे रिस्ट्रिक्शन कोई मिल जाए यूट्यूब की जानिब से, या फिर जिस बंदे की मैं वीडियो यूज़ कर रहा हूँ उनसे मैंने परमिशन वगैरह नहीं ली, उनसे मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, तो पता नहीं कॉपीराइट भी शायद आ जाए। तो लेकिन इसके लिए कि मैं वीडियो आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि यार अवेयरनेस आए आपको, आप भी इन चीज़ों से बचें। चलिए बिना टाइम गवाए चलते हैं वीडियो की जानिब। ठीक है, जो भी शुरू कर सकते हैं बता दे। पाकिस्तान से यहाँ आने का सफर बताना है मुझसे सिरसा, ठीक है। मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पैदा हुआ, वहाँ पे अमसर नस्ल पहुंचा। क्या क्या कहा आप लोगों को? मुझे ये कहा कि ये जो उनसे मुसलमान है ना, जैसे न्यूजीलैंड में मरे थे ना, हम ऐसे ही तुम्हें भी मारेंगे। तो फिर जॉनसन, उन्होंने कहा कि ये जॉनसन इधर तुम क्यों आते हो, तुम्हें पता है कि ये हम जॉनसन इधर नहीं किसी को भी आने देते, तुम ऐसे क्यों आ रहे हो? तो हमने कहा कि मैं रिजक की तलाश में आ रहे हैं, मैं इसलिए आया हूँ। और क्या लेने आना है? Ben Pakistanlıyım, adım işte Sufya. Pakistan'dan, İran'dan daha sonra Yunanistan'a geçtim. Türkiye'ye geldim, Türkiye'den Yunanistan'a geçtim. Yunanistan'a geçtikten sonra beni polis yakaladı. Siz buraya niye geliyorsunuz? Siz Müslümansınız. Aynı zamanda hani Nizelanda'daki katliam gibi sizi de katledeceğiz diyor. Daha sonra bizi dövdüler, vurdular. Daha sonra kampa götürdüler. Ve Türkiye'ye geri gönderdiler. Çok zulmettiler diyor. Neyle vurmuşlar? Kisis kise mara longo. Dende se jon se ni lakkar ke aur dusre jon se plastik ke. Unse bahut zyada. Aynı zamanda plastik jok ve tahta sopalardan dövdüler diyor bizi. Sonra nasıl attılar buraya? Ve abi kese penga abi longo. वो स्पीड बोर्ड में हमें लेके ना, ये 200 बंदा सारा है, 200 स्पीड बोर्ड में लेके ना 10-10 करके हमें इधर तुर्की की तरफ फेंकते थे। yaklaşık 200 kişi vardı. Onlar kişi olarak bizi hızlı botla Türkiye sınırlarına geri getirdiler yani. Tamam. Şimdi peki kimden yapmış bunu? Kim lavan ekiye hesap ablamın hesap. Ye Türkiye ya Yunan वाले ना, उन्होंने बहुत ज्यादा हमें जुलम किया। तुर्की हम आए ना तो हमें थोड़ा सा लेके आए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बहुत प्यार से रखा हमें। Yunanlılar yapmış, Yunan yetkililer yapmış. Türkiye'ye geldikten sonra Yunan bize çok iyi davrandılar, bize çok yardımcı oldular, bize her şey verdiler diyor. Yaklaşık 9 kişilerdi bunlar. Kisler var, or bir kari. Or onun ucunda 10 bende de, jab o leke aye na, उन्होंने बूट भी ले लिए, बूट यहाँ पे मैंने मुझे दिए हैं लोगों ने। ये उसमें kıyafetleri ve ayakkabılarımı vesaire hepsini almışlar. Türkiye'ye attıktan sonra bazı kişiler bana yardım ettiler. खाने के पीने का सामान था, छोटा सा मोबाइल था, पैसे थे, वो सब कुछ। benim telefonum, paramı geri aldılar, hiçbir şey vermediler, geri gönderdiler. Or बच्चों मतलब वहाँ के औरतों वगैरह को भी, औरतों को भी लड़के चेक करते हैं उधर, औरतों को भी जुलम किया, मारा उन्होंने उधर। आने ज़माने में बिज़ आइले में बायनलर तो वार्ड दियो, बायनलर तो आने शेकी दे दोबलर ज़ुम्मे चिल्लर, हामिले बायनलर तो वार्ड शुकार दो। और भी थे मतलब औरतों के, कैसे एक और था वो पता नहीं किधर चला गया, वो उधर उन्होंने उनको इतना मारा, लड़की को भी, और लड़के बस किसी लड़के वाले यानी उन्होंने पता नहीं किधर चले गए।
इधर आए तो उन्होंने देखा कि तो पता नहीं किधर चले गए, हमारे साथ नहीं थे। तो उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो से आप कुछ ना कुछ सबक सीखेंगे, कुछ ना कुछ सीख सीखेंगे। बाकी यार गुरेज करें, आपको पता है मुसलमानों के तो वैसे भी कुछ यूरोप के ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत खिलाफ हैं, और आपने सुना कि यूनान की पुलिस कह रही थी जैसे न्यूजीलैंड में मुसलमानों को मारा है इसी तरह आपको भी मार देंगे। तुर्की वालों ने कुछ ख्याल किया है, उन्होंने मतलब इतना जुल्म नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुर्की की डंकी लगाएं लगाएं, ठीक है। वहाँ पे भी यही होगा जब लोग मेजॉरिटी में वहाँ पे इलीगल जाना शुरू कर देंगे। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीख मिली है, वीडियो पसंद आई है लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा एवरी वीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।